ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स के बारे में। पोकेमॉन एनीमे में जितना इंपॉर्टेंट रोल पोकेमॉन का है उतना ही किसी पोकेमॉन ट्रेनर का भी है, क्योंकि एक पोकेमॉन ट्रेनर ही एक पोकेमॉन की ट्रू पोटेंशियल को बाहर लाता है। एक पोकेमॉन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो एक ना एक पॉइंट पर अपनी लिमिट्स पर आ ही जाएगा अगर वो खुद से लड़ता रहा तो। लेकिन अगर वो किसी ट्रेनर के साथ आके लड़ता है तो उस ट्रेनर की स्ट्रेटजीज की हेल्प से वो और भी कई सारी बैटल्स जीत सकता है, क्योंकि ऐसे बस कुछ ही पोकेमॉन्स हैं जो कि खुद से स्ट्रेटजीज बना के लड़ सकते हैं, और ना बाकी के पोकेमॉन्स मैक्सिमम टाइम्स सिर्फ ब्लाइंड रेज में आकर अटैक करने लगते हैं। सो हाँ, जितना इंपॉर्टेंट एक पोकेमॉन है उतना ही इंपॉर्टेंट एक पोकेमॉन ट्रेनर भी है। एंड हाँ गाइस, यहाँ पर मैं पोकेमॉन ट्रेनर को रैंक करने वाला हूँ, ना कि किसी एस पोकेमॉन को। सो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर ट्रेनर्स को सिर्फ एस पोकेमॉन के ऊपर रैंक करूंगा। यहाँ पर मैं ट्रेनर्स को उनकी ओवरऑल टीम, बैटल आई क्यू एंड एस पोकेमॉन्स, इन तीनों ही क्राइटेरियाज पे रैंक करने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आती है यूनोवा चैंपियन आयरिस। अब यूनोवा रीजन में यहाँ पर भले ही वो कितनी भी कमजोर क्यों ना रही हो, बट गैला रीजन में उसने अच्छे से साबित कर दिया कि अब वो पहली बारी आयरिस नहीं रही है। शी वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अगेंस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन इन द एनीमे, सिंथिया। अगर हम बात करें एस पोकेमॉन की, तो हम सब जानते हैं कि आयरिस का हैक्सोरस कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर सिंथिया की मेगा इवॉल्व्ड गॉर्चाउम को हैंडल कर रहा था। हैक्सोरस नो डाउट एक लो चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है, और अगर बात रही बैटल आईक्यू की, तो तुम आयरिस की बैटल आईक्यू का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि सिनो चैंपियन सिंथिया तक इसकी स्ट्रैटेजी को देखकर इंप्रेस हो गई थी, इतना कि उसने अपनी गार्चॉम को मेगा इवॉल्व कर लिया था। एंड अगर बात रही ओवरऑल टीम की, तो हाँ, आयरिस की ओवरऑल टीम भले ही हमें अभी उतनी ताकतवर नहीं दिखाई गई है, बट वी ऑल नो कि 3-on-3 मैच में आयरिस ने सिंथिया की दो पोकेमॉन्स को हरा दिया था। अंत में बैटल एस पोकेमॉन्स पर आ गई थी। हाँ, 2v2 में भी देखा जाए तो सिंथिया ज़्यादा डोमिनेटिव थी, बट स्टिल आयरिस उसे काफ़ी अच्छी तरह से मैच कर पा रही थी। नंबर 9, अलान। ऐश का एक ऐसा राइवल जिसे ओरिजिनल स्टोरी लाइन में ऐश एक बार भी नहीं हरा सका। अलान हैज प्रूवन टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स इन द एंटायर पोकेमॉन एनीमे सो फार। इसने ऐश को हरा कर कालूस लीग जीत ली थी, एंड मास्टर्स 8 में अलान एक इकलौता ट्रेनर था जो कि एक चैंपियन नहीं था। जस्ट एक लीग विनर होने के बाद भी वो सारे चैंपियंस के बीच खड़ा था। अगर एस पोकेमॉन की बात करें, तो अलान का मेगा चारिज़ार्ड पूरी पोकेमॉन एनीमे के अंदर सबसे ताकतवर नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक है। बेस में वो एक हाई एलीट 4 लेवल का पोकेमॉन है, एंड अपने मेगा फॉर्म में एक मिड चैंपियन लेवल का। और अगर हम बात करें बैटल आईक्यू की, तो अलान की बैटल आईक्यू अभी तक हमें उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है। इसकी बैटल आईक्यू तो अभी तक बस एक एवरेज लेवल ट्रेनर की जितनी ही दिखाई गई है। और अगर बात रही ओवरऑल टीम की, तो अलान के पास यहाँ पर दो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, टायरेंटार एंड मेटाग्रॉस, एंड उसके बाद वीवाइल एंड बिशार्प भी। लेकिन चार्जर्ट के अलावा अगर मुझे किसी पोकेमॉन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी इसकी टीम में, तो वो था चेसनॉट। यू हैव टू एडमिट दैट अलान्स चेसनॉट फॉट रियली वेल अगेंस्ट रिलाबूम। लियोन का रिलाबूम बेस में ही एक मिड टू हाई एलीट 4 लेवल का पोकेमॉन है, एंड सीरियसली अलान का चेसनॉट लियोन के जाइगेंटामैक्स रिलाबूम के अटैक्स को सर्वाइव कर पाया था। वो उसके जाइगेंटामैक्स फॉर्म के तीनों टर्न तक लड़ गया था, अंत में वो बेस फॉर्म में आ गया था। हाँ, बेस फॉर्म में आने के बाद भले ही उसने चेसनॉट को हरा दिया, बट लियोन के जाइगेंटामैक्स रिलाबूम के अटैक्स को सर्वाइव करना एंड उसके बाद उसे उतनी देर तक लड़ जाना कि उसका जाइगेंटामैक्स फॉर्म ही एग्जॉस्ट हो जाए, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 8, रायहान। रायहान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर ऑफ द एंटायर पोकेमॉन एनीमे। ये वर्ल्ड चैंपियन लियोन के खिलाफ काफी देर तक टिक पाया था, एंड उसके चार्जार्ड को अपने डोरालाडॉन से काफ़ी अच्छी फाइट भी दी थी। एस पोकेमॉन की बात रही, तो हम सब जानते हैं कि रायहान का डोरालाडॉन बेस में ही यहाँ पर एक लो टू मिड चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है, एंड अगर वो यहाँ पर जाइगेंटामैक्स फॉर्म में आए तो वो एक हाई चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है। ओवरऑल टीम में इसके पास एक गुड्रा एंड एक बहुत पावरफुल फ्लाइकॉन है, जिसने न सिर्फ ऐश के ड्रैगनाइट को हराया बल्कि ऐश के जी मैक्स गेंगार से भी काफ़ी देर तक लड़ गया था। और अगर बैटल आईक्यू की बात रही, तो तुमने रायहान की बैटल आईक्यू देखी होगी कि किस तरह यहाँ पर उसने फ्लाइकॉन के सैंड स्टॉर्म को छुपकर वार करने के लिए इस्तेमाल किया था। ओवरऑल बिना किसी शक के ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर एवर इंट्रोड्यूस्ड इन द पोकेमॉन एनीमे। नंबर 7, प्रोफेसर कुकुई। ये बंदा कितना ताकतवर है, ये तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने अलोला देखा है तो। ऐश लिटरली अपने लिमिट्स पर आ गया था इसे हराने में, जबकि उसने अपनी लगभग सबसे ताकतवर टीम यूज की थी अभी तक में, अपनी अलोला टीम, जो कि मुझे लगता है ऐश की अभी तक की सबसे ताकतवर टीम रही है। एस पोकेमॉन की बात रही, तो असल में कुकुई का एस पोकेमॉन इंसिनरोर है, जो कि एक हाई एलीट 4 टू लो चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है। लेकिन ऐश के खिलाफ लड़ते हुए अंत में इसके पास टापू कोको भी आ गया था, सो अगर हम उसे कंसिडर करें तो वो तो भाई बेस में एक हाई एलीट 4 लेवल का पोकेमॉन है। और अगर हम इसको जी मूव के साथ देखें, तो ये ऑलमोस्ट एक हाई चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है। ओवरऑल टीम में भी प्रोफेसर कुकुई की ओवरऑल टीम काफी ज्यादा ताकतवर है। लाइक सीरियसली, पूरे एनीमे के अंदर सबसे ताकतवर इंसिनरोर उन्हीं के पास है, सबसे ताकतवर एम्पोलियन भी उन्हीं के पास है, और गैलार के आने से पहले सबसे ताकतवर लुकारियो भी उन्हीं का था, और अंत में तो टापू कोको ने भी कुकुई की टीम को ज्वाइन कर लिया था। और कुकुई की ओवरऑल टीम ने
एश की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। सो हाँ, ओवरऑल टीम का तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। और कुकुई की बैटल आईक्यू भी अच्छी खासी है। नंबर 6, होइन चैंपियन स्टीवन। नाउ दिस माइट बी शॉकिंग टू यू एज स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस लिटरली एक ओवर पावर्ड पोकेमॉन है जो कि हाई चैंपियन लेवल का है, एंड हाई चैंपियन लेवल में भी वो आर्ग्यूबली सबसे ऊपर है। एंड ही इज वेरी पॉसिबली द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन आफ्टर लियोन्स जी मैक्स चार्जार्ड एंड एश जी मूव पिकाचू। तो फिर स्टीवन इतना पीछे कैसे है? वेल, इसका सिंपल सा आंसर है कि स्टीवन के टीम में बस एक मेगा मेटाग्रॉस ही ताकतवर है, बाकी की पोकेमॉन्स ताकतवर हैं लेकिन हाँ उतने ज्यादा नहीं, वो पॉसिबली यहाँ पर लो एलीट 4 या फिर लो टू मिड एलीट 4 लेवल के होंगे। सो हाँ, यहाँ पर तो दो फैक्टर्स क्लियर हो जाते हैं, पहला एस पोकेमॉन और दूसरा ओवरऑल टीम। स्टीवन की ओवरऑल टीम एज अ चैंपियन ताकतवर है लेकिन हाँ उतनी ज्यादा नहीं। और जहां तक बात रही इसके एस पोकेमॉन की, वो तो भाई अलग ही लेवल पे है। एस पोकेमॉन के मामले में तो आई गेस बस लियोन और एश ही यहाँ पर स्टीवन को पीछे छोड़ सकते हैं। और जहां तक बात रही बैटल आईक्यू की, लेट मी टेल यू कि स्टीवन को बैटल आईक्यू की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज भले ही यहाँ पर उसकी बैटल आईक्यू हमें इतनी ज्यादा नहीं दिखाई गई है, बट उसके मेगा मेटाग्रॉस के पास इनसेन लेवल ऑफ बैटल आईक्यू है। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था, ऐसे बस कुछ ही पोकेमॉन्स हैं जो खुद से स्ट्रेटजीज बनाकर अपने दम पर लड़ सकते हैं। स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस उन्हीं पोकेमॉन्स में से एक है। सो हाँ, स्टीवन एक बहुत पावरफुल चैंपियन है एंड या ही इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन द पोकेमॉन एनीमे, बट हाँ मैं इसे इससे ज्यादा तो रैंक नहीं कर सकता। आई थिंक यहाँ पर 6th पोजीशन के लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 5, डायंथा। एज अ ट्रेनर डायंथा स्टीवन से ज़्यादा ताकतवर है, बिकॉज पहली बात तो उसकी ओवरऑल टीम यहाँ पर स्टीवन की ओवरऑल टीम से ज़्यादा ताकतवर है, प्लस उसकी बैटल आईक्यू स्टीवन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम एस पोकेमॉन में देखें तो एस पोकेमॉन में यहाँ पर डायंथा की मेगा गार्ड और ऑलमोस्ट स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस के लेवल की ही है। हाँ, इस बात पे मैं अग्री कर सकता हूँ दैट डायंथा एंड स्टीवन की पोजीशंस ओवरऑल यहाँ पर इंटरचेंजेबल है, बट मेरे हिसाब से अगर इन दोनों में 6-on-6 या 3-vs-3 का मैच होता है तो डायंथा का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। नंबर 4, लैंस। लैंस सीरियसली एक ओवर पावर ट्रेनर है। ये कैंटो और जोटो दो रीजन का चैंपियंस है और हाँ, ये वर्ल्ड चैंपियन बनने से बस एक कदम दूर था पोकेमॉन जर्नीज की स्टार्टिंग में। उस समय लियोन से हारने के बाद पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 109 तक लैंस सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर के नाम से जाना जाता था। ओवरऑल टीम की बात करें, लैंस की ओवरऑल टीम लिटरली अलग लेवल पे है। एश के बाद लैंस ही एक ऐसा ट्रेनर है जिसके पास दो एस पोकेमॉन्स हैं, गैराडोस एंड ड्रैगनाइट, एंड दोनों ही यहाँ पर लो टू मिड चैंपियन लेवल की पोकेमॉन्स हैं। और जहाँ तक बात रही हाइड्रेगन की, आई कैन क्लियरली से वो भी एक हाई एलीट 4 लेवल का पोकेमॉन होगा, बिकॉज सीरियसली वो मेगा गार्डिगोर के अटैक्स को हैंडल कर पा रहा था जो कि एक हाई चैंपियन लेवल की पोकेमॉन थी, और वो मेगा गार्डिगोर के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मून ब्लास्ट को ऑलमोस्ट सह पाया था। अंत में भले ही यहाँ पर गार्डिगोर ने उसे ओवर पावर कर दिया था, बट यू शुड कंसिडर दिस दैट मून ब्लास्ट यहाँ पर हाइड्रेगन पर सुपर इफेक्टिव भी था और पहले ही यहाँ पर वो गॉर्गिस्ट से लड़ चुका था। तो यहाँ से भी दो फैक्टर्स क्लियर हो जाते हैं, ओवरऑल टीम एंड एस पोकेमॉन। और अगर बैटल आईक्यू की बात करें तो हाँ, बस बैटल आईक्यू ही वो चीज़ है जो कि लैंस को यहाँ पर पीछे रखती है लिस्ट में, वरना अगर लैंस की बैटल आईक्यू बहुत अच्छी होती तो मैं कह सकता था कि लैंस यहाँ पर 4th पर नहीं बल्कि 3rd पर होता। टॉप 3 की स्टार्टिंग करती है द सिनो चैंपियन हरसेल्फ सिंथिया। सिंथिया एक्सेल्स इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एस पोकेमॉन की बात की जाए, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट सिंथिया गार्चोम किस लेवल की है। ओवरऑल टीम में भी देखा जाए तो सिंथिया के पास काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं, लाइक स्पिरिटूम, जिसने अगर अंत में डेस्टिनी बॉन्ड मार दिया तो भाई सामने वाले पोकेमॉन का खेल खत्म समझो, एंड उसके बाद माइलोटिक एंड उसके बाद टोगेकिस। और सिंथिया एश के बाद आई गेस इकलौती ऐसी ट्रेनर है जिसके पास दो फेनोमिनाज हैं, क्योंकि इसकी टोगेकिस भी जी मैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और बैटल आईक्यू तो अपरंपार। सिंथिया का माइंडसेट काफ़ी कूल एंड काम रहता है, जिसके कारण वो पोकेमॉन एनिमे के अंदर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाते हुए देखी जा चुकी है। सो हाँ, वो लगभग हर एक चीज में अच्छी है, बट हाँ लगभग। लैंस यहाँ पर सिंथिया से आगे हो जाता अगर उसकी बैटल आईक्यू काफी ज्यादा होती, बिकॉज लैंस की ओवरऑल टीम सिंथिया से ज्यादा अच्छी है। दो एस पोकेमॉन्स और प्लस यहाँ पर लैंस का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन सिंथिया की 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से ज्यादा ताकतवर है। आई मीन हाइड्रेगन इज मोर पावरफुल देन जी मैक्स टोगेकिस। जी मैक्स टोगेकिस एश के मेगा लुकारियो के अटैक्स को हैंडल करने में इतना स्ट्रगल कर रही थी, जबकि हाइड्रेगन ने मेगा गार्डिगोर के साइकिक अटैक को बिना किसी दिक्कत के रोक दिया था, एंड उसका मून ब्लास्ट भी ऑलमोस्ट सह ही लेता है। एंड डायंथास मेगा गार्डिगोर इज ऑन अ होल अदर लेवल कंपेयर्ड टू एश'स मेगा लुकारियो। सो हाँ, ओवरऑल टीम में लैंस आगे है, बट बैटल आईक्यू ही वो ऐसी चीज है जिसके कारण अगर कभी लैंस और सिंथिया में 6-on-6 या 3-on-3 होता है तो सिंथिया जीत जाएगी। नंबर 2, लियोन। लियोन भी यहाँ पर लगभग हर एक चीज में अच्छा है, ओवरऑल टीम, एस पोकेमॉन, बैटल आईक्यू, लगभग सब कुछ। लेकिन हाँ, लगभग एस पोकेमॉन की बात करें तो इसके चार्जार्ड के लिए आई हैव नो वर्ड्स,
नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल, हम सब जानते हैं कि वो कितना ताकतवर है। ओवरऑल टीम में भी उसकी ओवरऑल टीम काफी ज्यादा ताकतवर है, लाइक जी मैक्स रेलबूम, जी मैक्स सिंड्रेस, ड्रैगापल्ट, और ये सभी के सभी हाई एलीट फोर टू लो चैंपियन लेवल के पोकेमॉन्स हैं। एंड बैटल आईक्यू में यू वोंट बिलीव, बट एनिमे के अंदर ये सिंथिया से भी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाते हुए देखा गया है। और नंबर वन एश, नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल, क्योंकि इस बंदे के केस में कुछ भी लगभग नहीं है। ही कम्प्लीटली एक्सेल्स इन एवरी क्राइटेरिया, एस पोकेमॉन्स, ओवरऑल टीम, बैटल आईक्यू, ये इन सभी चीजों में सबसे आगे है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने बस ट्रेनर्स की रैंकिंग की है। अगर आपको जानना है कि एस पोकेमॉन्स में सबसे ताकतवर कौन है, तो ये दोनों वीडियोस आप ही के लिए हैं। एस पोकेमॉन्स के बारे में पता करने के लिए आप इन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने एस पोकेमॉन्स को बेस में और फुल पावर में भी रैंक किया है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।